ओके सो गाइस, अगर आप भाई बेफालतू जाके मर रहे हो एंड पता नहीं भाई क्या ऐसे गलती आप कर रहे हो आपको पता नहीं है, तो भाई ये वाली वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अप्लाई कर लोगे तो भाई पक्का बता रहा हूँ आपका गेम प्ले भाई बहुत हद तक बेस्ट हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाफट से यहाँ पे वीडियो में चलते हैं। ओके यहाँ पे पहली टिप पे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई यहाँ पे ना जो फायरिंग की बटन है वो दोनों ऊपर लगा लेते हैं एंड ऐसे भी रखते हैं कि दोनों एक एक के ऊपर एक रख देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं इस तरीके से रख दूंगा तो अगर मैं क्लिक करूंगा फायरिंग वाली बटन में तो भाई फायरिंग होगा ही होगा क्योंकि मैंने दोनों रखा है। लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो देखो भाई अगर आपने दोनों को यहाँ पे साथ में रख दिया तो राइट वाला जो यहाँ पे फायरिंग का बटन है अगर आप उसको क्लिक करोगे गलती से भी अगर आपने उसको क्लिक कर दिया तो भाई वो एम के साथ साथ हिलता भी है। मतलब अगर आपके हाथ थोड़ा से भी वहाँ पे हिल जाएगा ना तो भाई आपका एम बिगड़ जाएगा एंड उससे भाई जो आप एम करके बैठे थे ना बंदों पे वो हट जाएगा एंड वो बंदा भाई आपको ईजिली मार देगा। एंड ये एक वजह हो सकती है कि आप बार बार क्यों मर रहे हो। तो यहाँ पे एक काम करना, आपको ये जो राइट वाला बटन है ना इसको आपको कम्प्लीटली हटा देना है क्योंकि भाई ये कोई यूज़ नहीं है। तो इसको जाके डिसेबल कर देना सेटिंग्स में एंड लेफ्ट वाला बटन को आपको वहाँ पर रखना है एंड उसको आपको पूरा बड़ा कर लेना, पूरा बड़ा जितना भी साइज है मैक्सिमम आपको रख देना है जिससे कि भाई आपको एम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट वाला मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एंड हाँ इतना ही भाई, अगर आप ये कर लिया तो भाई आप भाई आराम से खेल सकते हो। तो भाई यहाँ पे फरार से दूसरी टिप पे चलते हैं। तो अगर जब भी आप टीडीएम खेलते हो ना तब भाई आपका ना वेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है, तब आप एक काम करते हो कि ये जो वेस्ट यहाँ पे रखा है ना उसको लेने के लिए चलते हो एंड जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया ना उस तरीके से आप लेने की कोशिश करते हो एंड भाई कई बार मरे जाते हो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे ला चुका हूँ। तो गाइस यहाँ आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको वो चीज़ लेना है ना तो आपको जंप कर देना है, जंप करके आपको उस चीज़ को ले लेना है क्योंकि भाई जब आप जंप करोगे ना तब आप उसको ले भी लोगे एंड अगर एक एनिमी आपका सामने भी है तो भाई आप आराम से फायर भी कर सकते हो। वो आप पे अगर गोली मारेगा भी तो भाई आप उससे पहले ही आप मार चुके हो उसको। तो ये एक बढ़िया टिप है, इसको यूज़ कर लेना एंड कई बार आप बच सकते हो मरने से। तो यहाँ पे फरार से दूसरी टिप पे चलते हैं। तो सर आप एक ऐसा सिचुएशन में फंस चुके हो कि भाई एक बंदा आप पे ही एम के खड़ा है एंड आपको पता नहीं कि उसको कैसे मारना है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे मैंने इस कांच को यहाँ पे मैं तोड़ चुका एंड ये बंदा भाई मेरे ऊपर यहाँ पे एम करके खड़ा था लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली नहीं गया। अगर मैं नॉर्मली जाता तो इसके पास भी शॉटगन था, ये मुझे आराम से पेल सकता था। तो यहाँ पे मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ पे जाके कूद के उसको मैंने मारा। तो यहाँ पे कूदने का क्या फ़ायदा है कि भाई जब भी आप कूदोगे ना उसका एम असिस्ट भाई उतना अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो भाई जितना काम करता है ना उसका एम असिस्ट उतना काम नहीं करेगा। तो जब भी आप कूदोगे उसको मतलब कंफ्यूज होगा कि भाई ये क्या है एंड आप भी भाई एकदम बढ़िया ही उसको एम करके बैठे हो। तो ये एक बढ़िया टिप है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली चलता तो वो बंदा मुझे पकड़ सकता था। तो ये एक बढ़िया टिप है, तो इसको फॉलो करना आपका यहाँ पे मरने का चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो भाई फरार चलते हैं नेक्स्ट वाली टिप पे। तो कैसे यहाँ पे ये वाली क्लिप देखो, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस वाले घर से भाई मुझे फुटस्टेप आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं फरार से ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि भाई यहाँ पे बैठा हुआ था लेकिन यहाँ पे मैंने पीछे नहीं देखा तो यहाँ पे मैं मर सकता था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप ऊपर जा रहे हो ना तो आपको एक बार राइट साइड देखना है। तो यहाँ पे मुझे तब से भाई एक ही बंदे का पीछे पड़ा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक और बंदा पड़ा था लेकिन भाई जैसे जिसको मैंने देख लिया था तो यहाँ पे मैं बच चुका हूँ लेकिन हो सकता है कि आप ना बचो। तो जब भी आप ऊपर जा रहे हो एक बारी कंफर्म कर लेना कि कितने बंदे हैं, दो राइट साइड देख लेना एंड उसके बाद आप ऊपर जाना, आपका मरने का चांसेस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फरार से भाई दूसरी टिप पे हम चलते हैं। ओके यहाँ पे ये वाली गलती भाई बहुत लोग करते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर भाई एक बंदा था एंड मैं यहाँ पे रश मारता हूँ एंड भाई मुझे पता था कि भाई वो वहाँ पे एम करके खड़ा है। उसके बाद ही मैं ऊपर गया था, मुझे लगा था कि वो बंदा छुप के बैठा होगा लेकिन वो बंदा भाई यहाँ पे एम करके बैठा था। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर आप ऐसे ही जाके उसको मार दोगे तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा आपको ईजिली यहाँ पे देखो ईजिली मार देगा। तो इस तरीके से आप भाई ईजिली मर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे ऊपर भाई नेट फेंकना है सबसे पहले एंड उसके बाद ही आपको जाना है। तो क्योंकि अभी ये वाली क्लिप देखना, तो यहाँ पे यार इस वाली घर से मुझे एक बंदे का यहाँ पे फुटस्टेप आ रहा था। तो फौरन से यहाँ पे मैं नेट यहाँ पे कुक करता हूँ वहाँ पे डालने के लिए लेकिन भाई यहाँ पे मेरा हाथ नहीं फट जाता है एंड यहाँ पे मैं नॉकआउट हो जाता हूँ। तो ये मैंने जानबूझ के करा था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बताया, तो देखो अगर उस बंदे ने यहाँ पे किल फिल देखा होता ना तो ये बंदा भाई तुरंत यहाँ पे कूद के मुझे मार सकता था लेकिन भाई वो बंदा वहीं पे है अभी भी, वो नहीं आया नीचे।
तो ये एक गलती आप भी कर सकते हो। तो अगर आपके आसपास नेट फटता है तो भाई आप यहाँ पे नेम यहाँ पे रीड कर लेना कि कौन यहाँ पे मरा है, तब भाई आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप वहाँ पे रच कर सकते हो। तो अभी ये वाला क्लिप देखना। तो यहाँ पे यार इस वाली घर से भाई एक बंदे के मुझे फुटस्टेप आता है। तो यहाँ पे यार मैं आराम से शॉटगन लेके ऊपर चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई ये बंदा यहीं पे खड़ा था एंड मुझे पता ही नहीं था। तो ये गलती भाई आप भी बहुत बार कर चुके होगी कि भाई आप अंधा रश कर शॉटगन क्या मिल गया भाई, आपका मतलब कॉन्फिडेंस पूरा ऊपर चला जाता है। तो भाई आपको हमेशा वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा था ना वहाँ पे एक स्मोक डाल देना है, या फिर कोई मॉली वगैरह, मॉली छोड़ो स्मोक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो वो डाल के अगर आप ऊपर जाओगे तो भाई आप उसको मार सकते हो। तो ये एक ट्रिक भाई आप यूज़ कर लेना, आपका मरने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से हम दूसरी टिप पे यहाँ पे चलते हैं। ओके अभी ये वाला क्लिप को देखना। तो यहाँ पे यार मुझे सामने से भाई इस वाले घर से यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आ रहा था, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना रश कर देता हूँ। वो बंदा ऊपर ही था तो फटाफट से यहाँ पे मैं रश कर देता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा पीछे एक बंदा था। देखो अगर मैंने देखा होता तो भाई मैं यहाँ पे पकड़ सकता था, लेकिन उसने मुझे फुटस्टेप ही नहीं दिया तो मैं कैसे मार सकता हूँ। तो ये गलती भाई आप भी यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई जब भी आप एक घर में रश करो ना तो नीचे भाई अच्छे से देख लेना कि भाई वहाँ पे एक बंदा बैठा तो नहीं है। ऐसे ही बहुत लोग भाई ट्रिक करते हैं कि भाई एक बंदे को नीचे बिठा देते हैं एंड जैसे ही आप ऊपर चलते हो ये बंदा नीचे से आपको पकड़ लेता है। तो भाई इस ट्रिक को आप यूज़ कर लेना, जैसे ही आप जा रहे हो अंदर तो भाई सब जगह एक बंदी